दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है आपने मूवी में देखा होगा कि जैसे कोई हीरो विलेन जो भी है कभी दलदल में फंसा तो वो आप देखते हो कि वो धंसता ही चला जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, दलदल कैसे जो है मतलब वो एक तरह से ट्रैप करता हुआ जाता है, क्या वो सच में ट्रैप कर सकता है, आपको सच में डुबा सकता है, और अगर आप उसमें फंस जाए तो वहां से कैसे निकला जाए, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। पहले बात करते हैं कि दलदल क्या है। तो उसके लिए एनालॉजी लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप एक मग ले लें, उसमें पानी डालते हैं और फिर उसमें मिट्टी डालने लगे तो वो जो है थोड़ा बहुत उसमें घुलेगी, मतलब ऐसे मिक्स होते हुए लगेगी, फिर सेटल हो जाएगी, फिर और डालेंगे फिर ऐसे ही आपको लगेगा फिर सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर आप डालते ही जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके अंदर और मिट्टी डालने का कोई स्कोप नहीं होगा, यानी वो घुलना बंद हो जाएगा और ज़्यादा वो थिक होती जाएगी, मतलब वो एकदम पेस्ट टाइप का बन जाएगा। तो उसी तरह की सिचुएशन को जो है हम बोलते हैं दलदल। और ये अक्सर जो है आपको तालाब या नदी इनके आसपास में मिलेगा, क्योंकि तालाब और नदी के आसपास में पानी भी बहुत है और मिट्टी भी बहुत है, तो एक परफेक्ट कंडीशन होती है दलदल बनाने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको ऊपर से देख के ऐसे ही लगेगा कीचड़ टाइप का है कुछ, वो मतलब मिट्टी कीचड़ ऐसा ही है। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही आप वहाँ पे अपना पाँव रखेंगे तो क्योंकि वहाँ पे आपको मिट्टी जैसा आप वहाँ पे पाँव रखा, लेकिन नीचे जो है वाटर सोर्स चल रहा है, पानी काफ़ी सारा होगा, तो वो पानी उस मिट्टी के साथ मिक्स होकर जो है एकदम दलदल वहाँ सिचुएशन बना देगा, और आपका अगर आप जो है मतलब सही से ध्यान नहीं दिया तो पाँव फंस जाएगा वहाँ पे। अब हर जगह जरूरी नहीं है कि आपका पाँव फंस ही जाएगा, हो सकता है कई बार आप किसी दलदल में सर्वाइव भी कर सकते हैं, मतलब वो धंसेगा नहीं, लेकिन मान के चलते हैं कि अगर आपका पाँव धंस गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मिट्टी और पानी थोड़े अलग अलग थे वो मिलके एक गाढ़ा सा उन्होंने एक तरह से पेस्ट बना लिया और उसने आपके पाँव को वहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब हुआ क्या कि आप वहाँ से निकलने के लिए थोड़े मतलब एक तो पैनिक कर जाओगे, खासतौर से अगर अकेले हो तो, और फड़फड़ाओगे, तो जो पाँव आपके धंसा हुआ है और अगर आप उसे घुमा रहे हैं जोर जोर से कि जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है आप फंस गए बुरी तरीके से और पैनिक में आके आप बहुत तेजी से अगर पाँव को हिलाना चाह रहे हैं, तो होगा क्या कि वहाँ की जो आजू बाजू की जो सरफेस है, आजू बाजू जो मिट्टी लगी हुई है, वो जो आपके पाँव के आसपास में जो एरिया है वहाँ पे और ज़्यादा मतलब वो कम गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कहीं आपने गेहूं पिसाया होगा तो जहाँ पे जो वो शेफ्ट चल रही होती है वहाँ पे जो है सबसे कम गाढ़ा होता है, आजू बाजू जो है सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ठीक जो है कंडीशन यहाँ पे भी यही होती है कि अगर आप अपने पाँव को जोर जोर से ऐसे लेफ्ट राइट लाइट इधर इधर ऊपर नीचे जैसे तैसे हिला रहे हैं तो वो वहाँ पे जो है और ज़्यादा कम मतलब वो कम गाढ़ा रहेगा वहाँ पे और बाकी के मुकाबले जो है वो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। तो क्योंकि आप जो है उस लोकेशन को कम गाढ़ा बना रहे हो, कम विस्कस बना रहे हो, डेंसिटी कम हो रही है, तो वैसे वैसे आप और ज़्यादा नीचे जाने लगोगे। लेकिन क्या इसका कोई अपर लिमिट है कि आप मतलब नीचे जाते जाते क्या उसकी एकदम बॉटम तक पहुंच जाओगे जैसा कि मूवी में अक्सर दिखाते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। मूवी जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने लेवल पे इमेजिनेशन पे चली जाती है, लेकिन जो है मूवी में दिखाते हैं वो एक अलग छोड़ दो, साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है पूरे के पूरे उसमें डूब जाओ। उसका कारण ये है कि डूबने के लिए जो है हमेशा कंडीशन चाहिए होती है कि जो भी आजू बाजू का सराउंडिंग जिसमें आप हो तो वहाँ का जो है डेंसिटी जो है मतलब आपकी जो बॉडी की जो डेंसिटी है उसका डूबने के लिए जो है जिसके अंदर आप मीडियम में हो, जैसे अभी राइट नाउ जैसे दलदल के अंदर हो, तो दलदल के अंदर जो है उसकी डेंसिटी उससे कम होनी चाहिए जो आपकी बॉडी की डेंसिटी है। लेकिन होता है एकदम उल्टा है। ओरिजिनली क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की डेंसिटी है और जो आजू बाजू की जो डेंसिटी है मतलब जो मीडियम की दलदल की जो डेंसिटी है वो दुगुनी होती है। तो अगर कहीं पे डेंसिटी दुगुनी यानी कहीं पे अगर ज़्यादा नीचे गाढ़ापन है बजाय कि आपके शरीर के अंदर जितना गाढ़ापन है जितनी डेंसिटी है विस्कोसिटी है तो आप कभी भी डूब नहीं सकते। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता बिल्कुल उल्टा है कि एक हद तक आप जैसे मान लो यहाँ तक पेट या पेट के नीचे तक आप जो है थोड़ा डूब जाओगे, लेकिन उसके बाद में आप ना खुद ही फ्लोट करने लगोगे, तैरने लग जाओगे और खुद ही जो है वो आपको आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसा स्टडी बताती है कि आप जो है उसमें फर्दर नीचे नहीं जा सकते। अब जो है आपको नीचे जो उसकी खुद की जो डेंसिटी है वही उसको आपको ऊपर धक्का देने लगेगी। तो अब बात आती है कि फिर निकले कैसे। तो ऐसी सबसे कंडीशन में सबसे पहले तो ये करना है कि भले ही आप यहाँ तक डूब गए हो या फिर अगर आप नीचे तक डूब गए हो, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको जोरदार हाथ पांव नहीं चलाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाथ पांव चलाने से आप पूरे डूब जाओगे, लेकिन आपको हाथ पांव नहीं चलाने है क्योंकि हो सकता है कि आप लट से सिर्फ पंजा डूबा है तो हो सकता है कि आपकी पूरी टांग डूब जाए सिर्फ आप ये काम करोगे। तो सबसे पहला काम तो शांत होना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वहाँ पे हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर सकते हैं। हॉरिजेंटल मतलब आप जो है वो सीधा होने की कोशिश करें, अपनी कमर और जो हिप्स हैं उसके बल वहाँ पे लेटने की कोशिश करें।
तो वो जो है धीरे धीरे दलदल जो है आपको खुद ही ऊपर जो है वो सरकाने लगेगा, ऊपर ऊपर की तरफ आप जो है वो आने लगोगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जो है वहां पर अगर नहीं बाहर निकल पा रहे हो, अगर बहुत ज्यादा मतलब आप उसमें धस गए और आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, तो नेचुरली आपको कॉल तो लगाना ही पड़ेगा या किसी को हेल्प के लिए चलाना ही पड़ेगा। वो भी आके वहां पे जो है वहां उस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा लिक्विफाई करेगा, जिससे कि जो आपकी टांग या जो भी आपका एरिया फंसा है वो वहां पे थोड़ा सा मतलब कम गाढ़ा हो और वो डेंसिटी वहां से निकल सके और फिर आपकी पांव और धीरे धीरे वो निकालेगा वहां पे। और आप ज्यादा उम्मीद नहीं करना कि कोई आपको पकड़ के खींच लेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि वहां से किसी को निकालना, स्टडी बताती है कि उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जैसे कि कोई नॉर्मल सी जो मीडियम साइज की कार होती है उसको खींचने में जितना, बाहर खींचने में जितना, ऊपर खींचने में जितना फोर्स लगाना पड़ता है, उतना एक इंसान को जो दलदल में फंसा हुआ है उसे खींचने में लगाना पड़ता है। तो अगर जो है हो सकता है कोई आपके पास में हो या हेल्प के लिए भी आए, तो हो सकता है हाथ से आपको नहीं खींच पाए जब तक कि वो वहाँ के आजू बाजू के एरिया को ढंग से लिक्विफाई ना कर दो, थोड़ा आप भी उसकी मदद ना कर दो हॉरिजॉन्टली लेट के। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।